खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां पर जनता कर्फ्यू के दूसरे दिन भी बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा नजर आया और मेडिकल स्टोर तक की दुकानें बंद रहीं। हालांकि मेडिकल स्टोर की दुकानों को बंद नहीं करने का आदेश था, लेकिन वहां भी दुकानें बंद नजर आईं, क्योंकि कोरोना का खौफ था और प्रधानमंत्री मोदी का आदेश था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार जनता कर्फ्यू के दूसरे दिन भी लोगों द्वारा स्थान 5 बजे अपने घरों के दरवाजे से, छतों पर, खिड़कियों के पास से ताली थाली शंख और घंटी बजाकर पुलिस कर्मियों, डॉक्टरों और पत्रकार बंधुओं का उत्साहवर्धन किया और लोगों को धन्यवाद दिया। वहीं कुछ दुकानें तो दूसरे दिन खुली नजर आईं, लेकिन अभी 25 मार्च तक दुकानों को बंद करने के लिए निर्देशित किया गया था। चंदौली पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल जी द्वारा लोगों से अपने अपने घरों में रहने के लिए और जरूरी कार्यों से ही बाहर निकलने के लिए आग्रह किया जा रहा है। वहीं चंदौली वाराणसी की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और पूरी तरह से आवागमन को बाधित कर दिया है। सभी चंदौली वासियों को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग ड्यूटी पे लगे हुए हैं और हम लोग जो समस्या है इस टाइम कोरोना वायरस है, जो पूरे देश में, विश्व में धीरे धीरे अपनी गिरफ्त मजबूत करता जा रहा है, उसके खिलाफ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, कटिबद्ध हैं। देश के सारे डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशन, इमरजेंसी सर्विसेज, सफाई कर्मचारी, एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड करने वाले लोग आप साथ लगे हुए हैं, हर वक्त पे, हर मौके पे आपके साथ हैं। आज मैं आपसे एक चीज़ चाह रहा हूँ, कृपया करके जितनी आप मुझे प्लेज कर सके कि आप सोशल डिस्टेंसेस को फॉलो करेंगे, आप लोगों से दूर रहेंगे, आप अपने घर में रहेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ने पे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अपने बड़े बुज़ुर्गों के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण कदम सोशल डिस्टेंसिंग का उठाएंगे। मैं आपसे ये प्लेज चाह रहा हूँ, कृपया करके जितनी आप फोटोज़ या वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं कि जिसे आप बताएं कि मैं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहा हूँ, कृपया मुझसे शेयर करें और प्लेज करें और लोग को बताएं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग से हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जनपद में कोरोना वायरस से संबंधित जागरूकता के लिए थानों द्वारा लगातार मोबाइल होके अनाउंसमेंट्स करवाए जा रहे हैं, पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं, जिसमें कोरोना वायरस के दौरान बरती गई सावधानी क्या करें क्या ना करें पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त हर थानों में फ्लैग मार्च कराया जा रहा है, जिसमें लोगों को जानकारी दी जा रही है कि कृपया करके अपने घरों तक सीमित रहें, स्पेशली जो लोग वृद्ध हैं और जो छोटे हैं उनको घर से ना निकालें, अपना हाइजीन मेंटेन रखें, लगातार हाथ मुंह अपना साफ रखें, अपने हाथों को मुंह से और आँखों से दूर रखें, इस प्रकार के अपना बेसिक हाइजीन अपना मेंटेन रखें। हम लोगों ने सभी थानों में सैनिटाइजर्स और सभी थानों के एंट्री में आपके हैंड वॉश वगैरह अवेलेबल कराए हैं, जिससे भी हम लोग एक दूसरे संपर्क में आते हैं तो हमें अपना हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि अपनी सुरक्षा जनता की सुरक्षा रहेगी। जिस जितना हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे, हम बाकी लोग को भी संक्रमित होने से रोकेंगे और आशा करता है कि हम सब लोग इसमें बराबर हिस्सेदार रहेंगे और ये कोरोना वायरस के खिलाफ जो भारत की जंग है उसमें हम लोग सफल रहेंगे।